नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहेंगे कैश फ्यूचर की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताना चाहता हूँ जो कि आप नहीं जानते होंगे। अगर आप जानते भी होंगे तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली कैश फ्यूचर के अंदर आप इजीली अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका शेयर लगा है, इसका नाम आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा SBIN। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो ट्रेडिंग करते टाइम हमें जो भी स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ता है उसका जो नाम होता है वो आपको कुछ इसी शब्दों में मिलता है, यानी पूरा नाम नहीं मिलता। तो सॉफ्टवेयर जो होता है इसके अकॉर्डिंग भी, इसके अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा जैसे कि SBIN ये लिखा है, तो ओनली जो SBIN लिखा होता है वो कैश का होता है, जिसमें SBIN I लिखा होता है वो अपना फ्यूचर का होता है। तो मैं यहाँ पर कैश के रिगार्डिंग आपको जानकारी दे रहा हूँ, और अगर फ्यूचर में आप जानकारी चाहते हो तो अगला स्टॉक वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ देखिएगा, आपका यहाँ पर देख सकते हैं सेल का सिग्नल जनरेट हुआ। अब ये ट्रेड करना था कि नहीं करना था वो उस मैटर पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि सिग्नल तो मार्केट के अंदर बहुत सारे बनते हैं जिसमें हमें ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ऐसे सिग्नल भी होते हैं जो कि ट्रेडेबल नहीं होते। वो कैसे आइडेंटिफाई करें वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेल जनरेट हुआ था, और जो कॉल जनरेट हुआ था वो इस कैंडल से जनरेट हुआ था। आप इस कैंडल को यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो कैंडल आपको शो कर रही है, अगर इस कैंडल को हम देखें तो येलो लाइन के नीचे है। अब भाई येलो लाइन क्या वाला है, तो इसके रिगार्डिंग जानकारी देना चाहता हूँ। येलो कलर की जो लाइन होती है ये मार्केट का जोन डिटेक्टर होता है, यानी कि इसके नीचे का जो जोन होता है वो मार्केट का सेल जोन होता है, इसके ऊपर का जो जोन होता है वो मार्केट का बाय जोन होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब भी आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको जोन पहले चेक करना है, यानी मार्केट किस जोन के अंदर चल रहा है। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब हमने जोन साहब चेक कर लिया कि मार्केट का जोन जो चल रहा है वो डाउन जोन है, नीचे का जोन है, नीचे गिरेगा मार्केट, ये बता रहा है। अब लेकिन सेल जोन हमने पता करने के बाद ये कैसे पता करेंगे कि जो कॉल जनरेट हुई है क्या वाकई ये सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो कॉल गिरेगी, ठीक है, यानी जो सेल का कॉल जनरेट हुआ है वाकई मतलब चलेगा, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एडवांस स्मार्ट इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सिंपल से इन पे क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 इंडिकेशन आपको रेड कलर के होने चाहिए बस, अगर आप सेल कर रहे हो तो, और अगर बाय करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 हमें ग्रीन चाहिए होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार स्टार्टिंग के 3 यहाँ पर रेड हैं बाकी के 3 ग्रीन हैं, क्या 50-50 तो नहीं हो गया? दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम ट्रेड करते हैं मार्केट में तो ट्रेडिंग के पीछे कुछ लॉजिक होते हैं जो कि आपको हो सकता है पता हो या पर ना पता हो, बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या, जब भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो जो भी स्टॉक आपका अप डाउन होता है उसके पीछे ये रीजन होता है कि सपोज कीजिए मार्केट अगर गिर रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट उसके पीछे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई शेयर लगातार नीचे गिर रहा है तो उसका वॉल्यूम लगातार डाउन साइड में जा रहा है, और उसका ओपन इंटरेस्ट भी क्या कर रहा है, वो बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट। अब इसको कैसे समझे, वॉल्यूम मतलब होता है सपोज कीजिए यहाँ से क्या हुआ, आपने सेल करना चालू किया, तो अगर आपने यहाँ पर सेल किया है तो क्या होगा, आपने कोई चीज़ बेची यानी सेल किया, उसको किसी ने बाय कर लिया, खरीदा, तो ही आपके पूरे ट्रेड होता है, ठीक है। अगर सेलिंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो तो पूरा एक ट्रेड कहलाता है, अगर बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, पूरा इसको ट्रेडिंग कहलाता है, पूरा एक ट्रेड कहलाएगा। तो आपका यहाँ से वॉल्यूम बना, वॉल्यूम बनने के साथ साथ अगर ओपन इंटरेस्ट यानी कि ज़्यादातर लोग उसको सेल कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग उसको खरीद रहे हैं, जो भी हो, अगर ज़्यादातर लोग उसको सेल कर रहे हैं तो सेलिंग का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अगर ज़्यादातर लोग उसको बाय कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, बाइंग का आपका वॉल्यूम बढ़ा, साथ में ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब कि लोगों का रुचि उसके ऊपर, इंटरेस्ट, ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें यहाँ से ये चीज़ें पता चलती है कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या चल रहा है। अगर मार्केट सेल हुआ है, यहाँ पे शुरुआती 3 इंडिकेटर आपके रेड हैं, तो ये बताते हैं कि मार्केट में सेलिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग ज़्यादातर इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं सेल करने के लिए, और ज़्यादातर जो सेलिंग वॉल्यूम है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ से पता हम कर सकते हैं।
अब आता है पाइवोट लेवल। पाइवोट लेवल ये दर्शाता है कि यार मार्केट के अंदर इस प्राइस, यानी कि जो अपना प्राइस इसने ऑटोमेटिक जनरेट करके दिया है, हर शेयर का अलग अलग डेली का पाइवोट लेवल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। तो जो पाइवोट लेवल की वैल्यू होती है, इसके नीचे अगर यहाँ पर सेल का प्राइस अगर आया है, इसका मतलब होता है कि मार्केट ओवर डाउन जाएगा, ठीक है। क्योंकि पाइवोट थ्योरी ये कहती है कि पाइवोट लेवल की जो वैल्यू है, इसके नीचे अगर मार्केट चल रहा है तो ओवर डाउन जाएगा, और इस वैल्यू के ऊपर अगर मार्केट चल रहा है तो और ऊपर जाएगा। ये पाइवोट दर्शाता है। अब लेकिन साथ में हम ये कैसे पता करेंगे कि यार ये स्टॉक है हमें फर्स्ट टारगेट देगा, सेकंड देगा या थर्ड देगा, वो पता करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंट्राडे का, यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा आपको यहाँ पर मैसेज बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में आपको शॉर्ट टर्म दिखाई दे रहा और लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा। अगर मार्केट इंट्राडे के साथ साथ शॉर्ट टर्म भी सेल है और लॉन्ग टर्म भी सेल है, ठीक है, तो मार्केट जैसे ओनली शॉर्ट टर्म में आप इंट्राडे सेल होता है और शॉर्ट टर्म सेल होता है, तो मार्केट आपका लगभग सेकेंड टारगेट तक दे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट साथ साथ देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी सेल है, मतलब मार्केट थर्ड टारगेट भी दे के जाएगा, ये चांसेस यहाँ पर है। तो इस तरह सॉफ्टवेयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर टारगेट इस तरह अर्न कर सकते हैं। अब बात आती है अगर जो फेक कॉल बनती है वो कैसे हम डिटेक्ट करें, उसको कैसे अवॉइड करें, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंजन का आपको स्टॉक लगा देता हूँ, इसके अंदर देखिएगा आपको दो तरह के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, एक आपका सेल का सिग्नल है और एक आपका बाय का सिग्नल है। अब अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो सेल वाला जो सिग्नल है, अगर इस कैंडल में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा पहली कंडीशन क्या है, येलो के नीचे सेल है, तीन इंडिकेशन यहाँ पर रेड है, पाइवोट लेवल के नीचे मार्केट सेल है, और साथ साथ देखिएगा शॉर्ट टर्म भी बोल रहा है कि मार्केट सेल है, इंट्राडे भी बोल रहा है मार्केट सेल है, मतलब सेकंड टारगेट जाएगा और सेकंड टारगेट ये चला गया। लेकिन इसके पीछे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ था, ये वाला। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वाकई इस कॉल को हमें ट्रेड करना था या नहीं। तो सेल के लिए जो अपनी कंडीशन होती है आपने पता है, आपको देख लिया आपने, लेकिन बाय के लिए कंडीशन जो होती है, येलो लाइन के ऊपर का जो जोन होता है वो बाइंग जोन होता है। तो कोई भी बाय की जो अपनी कॉल जनरेट होगी वो येलो लाइन के ऊपर जनरेट होना चाहिए, ये अपनी कंडीशन, पहली कंडीशन। तो क्या ये जो कॉल आपकी बनी है जिस कैंडल पे, क्या ये कैंडल येलो लाइन के ऊपर है? तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल येलो लाइन के बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, तो इस कॉल को ट्रेड नहीं करना, डायरेक्टली अवॉइड कर देना है। तो इस तरह आपको इस तरह की जो कॉल आपकी कॉल जनरेट होती है जो कि यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, उसको आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर टाटा मोटर आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, यहाँ देखिएगा सारी सिग्नल आपके, देखिएगा सारे अपने जो बने थे इंडिकेटर वो भी आपके यहाँ पर रेड थे। इसके बाद देखिएगा बाकी कंडीशन भी आपकी फुलफिल थी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी आपका सेल था, तो डेफिनेटली आपको टारगेट मिला। अगर मैं और आपको कॉल दिखाना चाहूँ, जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड के अंदर देखिएगा आपको दो सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आपका सेल का सिग्नल है और एक आपका बाय का सिग्नल है। तो सेल वाला आपको ट्रेड करना था क्योंकि कंडीशन फॉलो कर रहा था, लेकिन बाय वाला देखिएगा ट्रेड नहीं कर रहा था, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था। अगर देखते हैं विप्रो, अब विप्रो में यहाँ पर देखिएगा सेल का सिग्नल जनरेट हुआ था, और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, वो आप जरूर इसको देखिएगा सुनिएगा। तो सेल कॉल आपका जनरेट हुआ, बाकी सारी कंडीशन आपकी फुलफिल है, सभी चीज़ें फुलफिल है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी आपके क्या बोल रहे हैं कि मार्केट लगभग थर्ड टारगेट जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, वो है इनसाइडर न्यूज। इनसाइडर न्यूज क्या बोल रही है कि हैवी डाउनफॉल अहेड, यानी कि थोड़ा आगे चल के मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल होने वाला है। और आप चेक कर सकते हैं जैसे यहां पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ तो भाई यहां पर देख सकते हैं मार्केट साइडवेज चलता रहा, लेकिन एकदम मार्केट गिरा, फिर साइडवेज चला, फिर एकदम मार्केट गिरा। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर इसने इनसाइडर न्यूज को कैप्चर कर लिया था कि मार्केट एकदम गिरने वाला है। तो इनसाइडर न्यूज जब कभी आ जाता है, कोई भी सिग्नल आप ट्रेड कर रहे हो, वहां पर सारी कंडीशन फुलफिल हो और साथ में इनसाइडर न्यूज अगर आ जाता है तो वो कॉल एकदम कभी भी गिर सकता है, मतलब सेल आप कर रहे हो तो। अगर बाय कर रहे हो, वहां पर इनसाइडर न्यूज आ जाता है कि हैवी डाउनफॉल अहेड, तो वो कॉल एकदम कभी भी ऊपर भाग सकता है, ये इनसाइडर न्यूज का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है जब भी आप ट्रेड करोगे, तो वहां पर ये चीजें आपको फॉलो करना है, और स्मार्ट ट्रेड सिस्टम इसमें काफी ज्यादा आपकी मदद करेगा ट्रेडिंग में, आपको डेफिनेटली अर्निंग करवा के देगा। क्योंकि साहब सॉफ्टवेयर क्यों होता है, ये मार्केट में क्या करता है, मार्केट का ट्रेंड फॉलो करता है। हम और आप क्या करते हैं भाई, मार्केट के अंदर लालच फॉलो करते हैं, ठीक है।
जब भी हम क्या करते हैं, मार्केट ऊपर भाग रहा है तो हमें क्या लगता है कि यार मार्केट ऊपर भाग रहा है, चलो इसमें बाय करते हैं, और हम लोग बाय कर लेते हैं। जैसे हम बाय करते हैं मार्केट वहां से पलटना चालू कर देता है। तो हम करते क्या, हम थोड़ा लालची होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते। बहुत से लोग मैंने देखा है ट्रेडिंग में क्या हो गया, टारगेट हो गया, लेकिन साहब प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, उनको लगेगा नहीं और थोड़ा और मिले, और दुनिया में थोड़ा और मिले के चक्कर में दुनिया बर्बाद है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे विप्रो आपका चेक कर लीजिए, क्या हुआ, सेल कॉल आपका जनरेट हुआ, पहले तरसते रहे टारगेट के लिए, बिल्कुल तड़पते रहे, फिर आपका टारगेट अचीव हुआ, और आपने सोचा कि नहीं यार थोड़ा और मिले, यार इसमें मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और ज़्यादा मिले, क्योंकि बहुत तड़पाया इसने। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर वो थोड़ा ऊपर आ गया। अब यहीं पर इंसान यहाँ पर क्या करता है, यहीं पर आदमी फेल हो जाता है। अब आप सोचोगे यार कि यार मार्केट में हमने कितने से एंट्री किया था, 436 से, और फर्स्ट टारगेट मिल भी गया था, लेकिन हुआ क्या, फिर से मार्केट ऊपर जाकर देखिएगा हाई कितना, 436 फिर आ गया, यार मैं तो पैसा बना ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी तो किस्मत ख़राब है, ऐसा सोच के आप क्या करते हो, पोजीशन को ब्रेक कर देते हो। फिर होता क्या है, फिर देखिए मार्केट फिर से डाउन गिरना चालू किया, फिर से देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा बना। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही खेल होता है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते होते तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पैसा बनाते, लेकिन अगर आप खुद का दिमाग लगाते हो, खुद का तुक्का लगाते हो, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा उल्टा जाता है, हम लोग करते क्या है, डर जाते हैं, और मार्केट में क्या करते हैं, लॉस में पोजीशन को ब्रेक करके निकल जाते हैं। फिर मार्केट आपको काफी ज्यादा अर्निंग देने की कोशिश करता है, लेकिन आप ले नहीं पाते हो। सॉफ्टवेयर करता क्या है, लालची नहीं होता, सॉफ्टवेयर के अंदर खुद का दिमाग नहीं होता, इसलिए सॉफ्टवेयर करता क्या है, मार्केट का पूरा एक प्रॉपर ट्रेंड दिखाता है, और हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लालची बन जाते हैं, इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं और लॉस कर बैठते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग को आप कंट्रोल कर ही सकते, पहली बात तो, क्यों, क्योंकि भाई मनुष्य कितना ही अपने जीवन पर कंट्रोल करे, कितने अपने लालच पर कंट्रोल करे, लेकिन वो लालची ही रहता है। और इसीलिए मार्केट में, इंडिया के शेयर मार्केट के अंदर मैंने देखा है, अधिकतर लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले उनको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जब बुक नहीं करते तो फिर लॉस होना चालू हो जाता है, और लॉस इतना बढ़ जाता है कि जिंदगी भर वो इसके लॉस को ही, अपने को लॉस को ही कवर करते रहते हैं, लेकिन लॉस आप कवर नहीं हो पाता है। तो सिंपल सा फंडा अपनाना है कि भाई पहली बात तो जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर लालच मत करो। अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर की बात मानो, टारगेट आया प्रॉफिट बुक करो, और प्रॉफिट बुक करने के बाद एग्जिट हो जाओ। हमें आज ही एक दिन के अंदर लखपति करोड़पति नहीं बनना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि शेयर मार्केट से मैं एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर लखपति करोड़पति बन जाऊं, तो सर आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी यहाँ पर लखपति करोड़पति बनने आता है, मार्केट उनको खाकपति और रोड़पति बना के भेज देता है। आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है कि भाई मार्केट में जब भी हम काम करें, पहली बात तो मार्केट का प्रॉपर ट्रेंड फॉलो करें, और मार्केट में तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाने वाले अधिकतर ट्रेडर, सुनिएगा फिर से, तुक्का लगाने वाले अधिकतर, लगभग 90% ट्रेडर मार्केट में चंद दिनों के मेहमान होते हैं। चंद दिन मतलब कितना, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते। और मैंने तो सर एक एक हफ्ते में ही लोगों को मतलब पूरा पैसा लॉस करते हुए भी देखा है, क्योंकि वो लोग तुक्का लगाते हैं। तुक्का लगाने वाले लोग ज्यादा मार्केट में टिक नहीं पाते। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है, जो लोग मार्केट का ट्रेंड फॉलो करते हैं, चार्ट फॉलो करते हैं, वो लोग मार्केट में सालों से टिके हुए हैं। मेरे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ पर कम से कम, जब से कंपनी हमारी स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक, अभी भी कम से कम 30 से 35 लोग जो हैं लगातार अभी तक हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, और अभी तक वो लगातार ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हैं। तो मार्केट में लगातार अगर आपको बनना है, मार्केट में अधिकतर आपको बने रहना है, पैसा बनाते रहना है, तो एक सिंपल सा फंडा है कि मार्केट में सॉफ्टवेयर की बात माने, ट्रेंड फॉलो करें, जो भी कंडीशन आपको बता रहे कि वो कंडीशन आप फॉलो करें, डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे, अर्निंग करोगे। और जो लोग नए ट्रेडर हैं, जो कि मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है उनको, उनके लिए भी सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि डरने वाले क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। जब पता ही नहीं होता करना क्या, तो डर तो लगेगा। अगर आपको पता है कि करना क्या है तो आपको डर नहीं लगेगा, तो आप सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली एंट्री कर पाओगे, एग्जिट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर चाहते हो कि मैं लाइव डेमो देखूँ, भाई लाइव मार्केट सॉफ्टवेयर कैसा वर्क करता है, वो भी देखना चाहते हैं, तो ये रही हमारी कंपनी की वेबसाइट www.smarttradesystem.com। इस पर जब आओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट ए डेमो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डेमो फॉर्म आप फिलअप करिए, सेंड मैसेज पर क्लिक कर दीजिए, हम आपको लाइव मार्केट में कॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर का आपको लाइव डेमो दिखाया जाएगा। और दोस्तों कुछ ही बता दूं भाई, किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर का डेमो देखने में डरा मत करो। डरते क्यों यार, मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो भाई डेमो भी देखना हमें, अगर कोई नई चीज़ आई है तो उसको परचेस करके काम भी करना है, क्योंकि कोई सा बिजनेस आप करोगे जब तक उसके
टूल यूज नहीं करोगे उस पर्टिकुलर उस बिजनेस को करने के टूल यूज नहीं करोगे तब तक उस बिजनेस में सफलता मिलेगी ही नहीं। इसलिए टूल यूज करना सीखो, सॉफ्टवेयर का यूज करना सीखो, डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे। तो डेमो जरूर देखें और जो भी आपके डाउट हो जरूर क्लियर कीजिएगा। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई वीडियो अगर देख रहे हो, देखना चाहते हो और भी अच्छे वीडियो जिसमें आपको प्रॉफिटेबल चीज़ें मिले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और चीज़ बता दूं, आप कोई भी वीडियो आप हमारा देखते हो उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उसके माध्यम से हम आपको हर गुरुवार के दिन एक फ्री कॉल जो कि एक्सपायरी स्पेशल कॉल होती है सॉफ्टवेयर की वो हम शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप इजीली हज़ारों लाखों रुपए बना सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।